हेलो एट क्लास स्टूडेंट्स, जो आपका वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है उसके नीचे की फाइल अगर आप खोलेंगे, वैसे तो जब आप बुक्स परचेज करेंगे तो आपको उसमें ये दिख जाएगा, पर जब अभी आप फोन में ये फाइल खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और ये जैसे इस कोने में आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज, राइट कॉर्नर में ये है लेट्स ट्राई एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करने के लिए दी गई थी। सो ये लेट्स ट्राई 2 है और लेट्स ट्राई 3। लास्ट लेक्चर में हमने लेट्स ट्राई 4 का सॉल्यूशन देख लिया था, हम इस लेक्चर में लेट्स ट्राई 3 और लेट्स ट्राई 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब लेट्स ट्राई 2 और लेट्स ट्राई 3 का हम हर टाइप का एक एक सम देखेंगे, वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। और जब आपको ग्रुप में वीडियो मिलेगा तो उसके नीचे आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें इन दोनों एक्सरसाइजेस के फुल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो उन सॉल्यूशंस को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, और अगर पहले आपने सॉल्व नहीं किए थे, आपको डाउट थे, तो अब इसको देख के आपको लिखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द, ये लेट्स ट्राई 3 है, एक्सरसाइज 3, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मतलब उसी नंबर में जब हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं तो एडिटिव इनवर्स आता है। इसका ही मतलब है कि जब वो एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को हम प्लस करते हैं तो आंसर जीरो आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3, ठीक है, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए एडिटिव इनवर्स का आंसर है -1/3। सिर्फ एक माइनस साइन लगाया और एडिटिव इनवर्स निकल गया। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 1/3 -1/3 तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। फिर आप अपने लेट्स ट्राई 3 में अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है। 4/5 है, इसका आंसर क्या होगा? -4/5, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे -2/3। अब यहां पे पहले से माइनस का साइन है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, इसमें और अगर हम माइनस लगाते हैं सो माइनस एंड माइनस प्लस होता है, माइनस एंड माइनस प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर है 2/3। माइनस एंड माइनस प्लस हो गया तो -2/3 का एडिटिव इनवर्स है 2/3। अब इसी क्वेश्चन में आगे दो सम और हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के नीचे वाली फाइल में मिल जाएगा, तो आप उससे करके कॉपी में देख लीजिएगा। हम लेट्स ट्राई 3 का अगला सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें आप ए देखेंगे, ए है 8/9 + 0। एनी नंबर प्लस जीरो होता है वही नंबर, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं क्योंकि उसको किसी भी नंबर में प्लस करें तो वही नंबर आता है, तो इसका आंसर है 8/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी, ये आप देखेंगे तो है -11/12,
इंटू वन। किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, जैसे थ्री वन जा थ्री, फोर वन जा फोर। सो इसका आंसर है माइनस इलेवन बाय ट्वेल्व। ओके, सिंपल है एक्सरसाइज। इसमें आगे दो सम और है इसके जैसे, वो भी आपको फाइल में मिल जाएंगे जो इस वीडियो के साथ है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, अ नंबर हैज बीन एडेड टू एक्स एंड द आंसर इज एक्स, विच नंबर इज एडेड। सो एक्स कोई भी नंबर है जिसमें अगर किसी नंबर को जोड़े, मतलब एक्स कोई भी नंबर है जिसमें अगर किसी नंबर को जोड़े आंसर आता है एक्स। सो हमने ये पूछ रहा है कौन सा नंबर ऐड हुआ है, मतलब हमको ये फिल इन द ब्लैंक वाला नंबर फाइंड करना है। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सो एक्स प्लस अगर जीरो करेंगे तो एक्स ही आएगा, आंसर है जीरो। ओके स्टूडेंट्स सो अगला क्वेश्चन ये है, आप जब देखेंगे लेट्स ट्राई थ्री का, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब ये चार रेशनल नंबर हमको दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो बाकी तीनों से अलग है, उसका रीजन देना है। यहां पे हम देख पा रहे हैं क्या अलग है, हम ये देख पा रहे हैं कि बाकी सारे नंबर पॉजिटिव है पर ये एक रेशनल नंबर है जो नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए माइनस वन बाय एट सबसे डिफरेंट है क्योंकि उसमें नेगेटिव का साइन है। सो आंसर है माइनस वन बाय एट क्योंकि उसमें वो नेगेटिव है। ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2 बाय 7 टू गेट आंसर 1, मतलब हमें 2 बाय 7 दिया है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब हमने अगर आप पिछले लेक्चर्स देखें उसमें एक चीज पढ़ी थी रेसिप्रोकल, आपको ये चीज पिछले वीडियोस में मिल जाएगी। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को उल्टा कर दें, जैसे यहां 2/7 है उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 7/2। किसी भी नंबर के जो ऊपर है न्यूमरेटर उसको नीचे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे 7, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब जब इस रेसिप्रोकल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर 1 आ जाएगा, इसलिए आंसर यहां पे है 7/2 या रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से, मतलब अगर ये नंबर दिया है उसको उल्टा करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा हर नंबर के केस में। अगला क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है आपको वहां दिख रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/4, वन ऑफ देम इज 2/7, फाइंड अदर, मतलब जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3/4, उसमें से एक नंबर 2/7 है तो हमें दूसरा नंबर निकालना है, मतलब 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से
तो आंसर आएगा -3/4। किसी को किसी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, पर अगर हमें ये निकालना है, मतलब जैसे हमने 5 2s are 10 निकाला, पर अगर हमें दिया होता कि 5 × --10 = 10, तो हम क्या करते हैं, 10 को 5 से डिवाइड कर लेते तो 2 आ जाता। इसी तरह यहां भी इसको यहां ले जाएंगे और डिवाइड डिवाइड करेंगे, सो आएगा -3/4 / 2/7 = 3/4 × 7/2। −21/8 3 7s are 21 4 2s are 8। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, जब 2/7 को −21/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा −3/4। 8th नंबर का सम आप देखेंगे, लेट्स ट्राई 3 का, तो ये है, इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स −1/2 × 2/3 + 9/10। हम देख सकते हैं कि एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ब्रैकेट में 2/3 + 9/10। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। आप नोट्स में पहले देखेंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर जाएंगे उसमें क्या होता है कि जैसे ए है ((b+c), ए है ((b+c) जैसे यहां है, तो वो होता है (a×b+a×c)। ऐसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहां भी हम अलग अलग करेंगे, ये आया। अब एलसीएम लिया, एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 3 का 60 आ रहा है, ठीक है, सो ये हो गया −20 − 27/60 = −47/60। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं इस सम को थोड़ी देर, और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हमने इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, ये आपको पिछले नोट्स में भी मिल जाएगी। चलिए आपके 11 नंबर वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें आप देखेंगे ये है 5/2 × 3/7 + 2/5। तो जैसे हमने लास्ट सम में देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग अलग करना, हम इसको भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा 5/2 × 3/7 + 5/2 × 2/5। ओके, आया 15/14 + 1। एलसीएम आया, एलसीएम 14 ही है, 15/14 + 14/14। 1 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है, आंसर है 29/14। सो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लीकेशन में कोई ब्रैकेट हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, उससे हमने इसको सॉल्व किया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और नीचे आपको इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्व
फाइल मिलेगी, उसको आपको अपनी कॉपी में पूरा राइट करना है।